प्रिय छात्रों, कल गीता के द्वितीय अध्याय के सातवें आठवें श्लोक में हमने पढ़ा, हमने अध्ययन किया कि अर्जुन किस प्रकार मोह से युक्त होते हैं और श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए क्या मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे कल्याण के मार्ग पर मेरे लिए जो श्रेयस्कर मार्ग है उस मार्ग की शिक्षा दीजिए, उस जिससे मेरा कल्याण हो उस मार्ग पर आप मुझे जाने के लिए प्रेरित कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। तो आज हम देख पढ़ेंगे कि इसके पश्चात जो संजय है वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसका आंखों देखा हाल जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, धृतराष्ट्र जन्मांध थे, वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, तो उन्हें युद्ध का आंखों देखा हाल बताने के लिए धृतराष्ट्र अपनी को जो है संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से वहां जो कुछ भी हो रहा है अर्जुन कृष्ण के बीच में संवाद उसको जो है बताते हुए कह रहे हैं। तो संजय बोल धृतराष्ट्र से कहते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूषणीम बभू है कि परंतप शब्द जो है वो विशेषण है, वो किसी भी राजा के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है शत्रुओं को पीड़ा देना, शत्रुओं को कष्ट देना। तो शत्रुओं को पीड़ा देने वाले, शत्रुओं को कष्ट देने वाले कि हे राजन, गुड़ाकेश है ऋषिकेशम, गुड़ाकेश की जो निद्रा है उस पर विजय प्राप्त करने वाले, कि संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र को कह रहे हैं हे महाराज कि हे राजा, गुड़ाकेश है जिसने अपनी नींद को भी अपने वश में कर रखा है, निद्रा पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे अर्जुन ने और ऋषि और अपनी इंद्रियों को भी जिसने अपने वश में कर रखा है कि नींद पर निद्रा पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, नींद को वश में करने वाले और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा गोविंदम, इस प्रकार से श्री कृष्ण से ऐसा कह करके कि गुड़ाकेश है अर्जुन के लिए आया है कि निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले, नींद को जीतने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से, गोविंदम श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा, इस प्रकार से ऐसा कह करके न योत्से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कि हे परंतप हे महाराज धृतराष्ट्र कि जो अर्जुन है, उन अर्जुन ने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसे श्री कृष्ण से ये वचन कह करके कि न योत्से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि सामने मेरे बंधु बांधव खड़े हैं, मैं मोह से युक्त हो रहा हूँ, मैं अपने धर्म के मार्ग से विमुख हो रहा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ में युद्ध नहीं करूँगा, कैसे कर सकता हूँ, ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, ऐसा कह करके और श्री कृष्ण से ये कह करके कि मैं जो है आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे लिए क्या श्रेयस्कर मार्ग है उसकी शिक्षा दीजिए, उसका ज्ञान दीजिए, ऐसा कह करके तूष्णीम बभू है कि अर्जुन जो है वो चुप हो गए। किस संसार में जो है कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो किसी संशय की स्थिति में होता है, मोह से युक्त होता है, तो उसके लिए उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है, वो संशय से युक्त हो रहा है, मोह से युक्त हो रहा है, तो उस युद्ध क्षेत्र में वो श्री कृष्ण से कह करके कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह करके अर्जुन बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये सब जो उस युद्ध क्षेत्र में हो रहा था, इन सारे घटनाओं को संजय जो है वो धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे महाराज, इस प्रकार से जो है अर्जुन श्री कृष्ण से कह करके बिल्कुल चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। भारत कि हे भरतवंशी सम्राट, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय कि भारत कि हे भरतवंशी सम्राट, हे महाराज धृतराष्ट्र, तम विषिदंतम कि इस प्रकार से ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसे विषाद करते हुए, ऐसे दुख करते हुए, ऐसी
दुखी होते हुए विषाद युक्त अर्जुन जो है उस अर्जुन को ऋषिकेश है श्री कृष्ण जो है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे श्री कृष्ण ने उभयो सेनियों मध्य दोनों ही सेनाओं के मध्य में दोनों ही सेनाओं के बीच में प्रहसन इव हंसते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए थोड़ा हंसते हुए इस प्रकार से जो है उन्होंने इदम वचः उवाच इस प्रकार से वचन बोले कि हे महाराज धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि जो ऋषिकेश श्री कृष्ण हैं उन्होंने दोनों से कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा हुआ है, अर्जुन मोह से युक्त हो रहे हैं, युद्ध नहीं करने का निर्णय ले रहे हैं, कृष्ण की शरण में आए हैं, कृष्ण को गुरु मान करके उनसे अपने कल्याण का मार्ग श्रेय का मार्ग पूछ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने जो है दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित विषाद से युक्त दुख से युक्त शोक से युक्त उस अर्जुन को देख करके हंसते हुए इस प्रकार से जो है उन्होंने वचन कहे। तो क्या वचन कहे ये हम आपसे कल के जो हमारी कक्षा होगी उसमें बताया जाएगा।